हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आप लोगों के लिए डबल एक्सपोजर वाली एडिटिंग लेकर आया हूँ, जो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिक्सआर्ट में आप लोग अपने ना किसी भी प्रकार के एक बैकग्राउंड ओपन कर लीजिए, किसी भी कलर का, ठीक है। टेम्पलेट होती है ना, वो उसे ऐड करने के बाद ऐड फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे और अपने फोटो को ना ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा जो भी फोटो ऐड करना हो, ठीक है। इसे करने के बाद मैं जो पीछे फोटो सेट करूँगा उसकी ओपेसिटी को कम कर लूँगा, ठीक है। और ऊपर जो इरेजर्स वाले सेक्शन है उसमें क्लिक करेंगे और ना उस फोटो को नीचे से थोड़ी सी इरेज कर देंगे ओपेसिटी को कम करके, ठीक है। तो देखिए, मैं कर लेता हूँ, इसे अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। इसे करने के बाद एड फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे और शेड वाले जो पी एन जी होती है ना, उस पी एन जी को मैं ऐड कर लूँगा, जो पैर के पास में उस पी एन जी को मैं ऐड करूँगा। तो आप लोग जो पी एन जी है ना, गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर स्टिकर टूल जो है ना उसमें सर्च कीजिएगा शेडो, तो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ, इस फोटो को ना ऐड करता हूँ, पीएनजी को ऐड करता हूँ। ऊपर देखिए क्लिक करूँगा और मूव टू बैक कर दूंगा, जिससे क्या होगी ना, ये जो शेड वाली पीएनजी है ना नीचे चली जाएगी और इसकी ओपेसिटी को थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। वापस ऐड फोटो वाले सेक्शन में जाएंगे और टेक्स्ट और एक नॉर्मल पीएनजी कार्टून मोड वाली जो पीएनजी होती है ना, उस पीएनजी को ऐड करेंगे। आप लोग नॉर्मली पीएनजी सर्च कीजिएगा बाइक, तो ये पीएनजी आ जाएगी, ठीक है, गूगल पे या फिर स्टिकर टूल्स में। तो मैं इसे भी सेट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। आप लोग चाहे तो दूसरे पीएनजी को भी ऐड कर सकते हैं, आपके फ़ोटो में जो पीएनजी अच्छी लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसे करने के बाद एक ना मैं रेड कलर के पीएनजी को ऐड करूँगा, आप लोग चाहे तो दूसरे पीएनजी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सेट करता हूँ और ऊपर क्लिक करके नीचे ना देखिए मूव टू बैक कर लेंगे, जिस और इसकी ओपेसिटी को थोड़ी सी कम कर लेंगे। आप लोगों को अगर अच्छी लगी ये कलर तो दीजिएगा या फिर कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसे करने के बाद टूल्स में जाएंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस को मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ ना टेम्परेचर को थोड़ी सी माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे फोटो में ना थोड़ी येलोनेस है, ठीक है। तो आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं इसे कर लूँगा, साथ ही साथ हाईलाइट शेडो सभी को ना इस फोटो के अकॉर्डिंग मेंटेन करूँगा। तो आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग ना ही कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके फ़ोटो अच्छी लगे। तो मैं कर लेता हूँ अच्छी तरीके से एक एक करके। इस सभी को करने के बाद ना लाइट वाले पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। पीएनजी को ऐड करने के बाद ब्लेंड सेक्शन में जाकर पीएनजी को ना स्क्रीन कर लेंगे। तो गाइज, हमारा ना फोटो ना हो चुका है एडिट लगभग, देखिए कैसी लगी है फोटो। तो गाइज, हमारे चैनल पर और भी कई वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, ठीक है। गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये फोटो देख लीजिए, आप लोग इस टाइप की एडिटिंग बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं और अपने फोटो को काफ़ी अच्छे बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।